हाय स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने लेसन 3 वॉकिंग विद ग्रैंडपा की ओरल क्वेश्चंस को किया। इसके बाद हमने पोइम को रिसाइट किया, इसके वर्ड मीनिंग हो चुकी हैं, क्वेश्चन आंसर ये भी हो चुके हैं हमारे। चार्ट आस्क करती हूँ कि आपने कर लिया होगा, मैंने आपको जैसे समझाया था कि कैसे बनाना है इसको। रीअरेंज लेटर्स हो चुके हैं, रीअरेंज वर्ड्स हो चुके हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हमारा हो चुका है। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी टॉपिक या कोई भी वर्क काम मिस हो गया हो तो लास्ट वीडियोस जो पहले हमारी वीडियोस आपने मिस कर दी हैं उसके लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। आप उन लिंक को ओपन करके मेरी पहले वाली वीडियोस हैं उनको देख सकती हैं। आज हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। कहते जो ये ब्लैंक्स है, खाली स्थान है, उनको भरना है वर्ड्स के साथ जो कि हमारे हेल्प बॉक्स में दिए। आपकी मदद के लिए एक बॉक्स बनाया गया, उसमें वर्ड्स दिए गए हैं। आपने इन वर्ड्स को पिक करके इन फिलअप्स को कंप्लीट करना है। अभी फर्स्ट करते हैं। TINA टीना, ISIS अ, GOOD गुड, GIRL गर्ल, टीना इज अ गुड गर्ल, टीना अच्छी लड़की है। डैश इज माई फ्रेंड, ठीक है, मेरी फ्रेंड है। कौन है मेरी फ्रेंड? टीना, टीना की बात हो रही थी ना। टीना इज अ गुड गर्ल, टीना एक अच्छी लड़की है, ठीक है। तो बात टीना की हो रही है तो उसी को कहेगी ना कि मेरी फ्रेंड है, ठीक है। तो टीना क्या है? लड़की है। वह मेरी फ्रेंड है। वह, अब वह लड़की के लिए वह, अगर वह लड़की है, ठीक है, तो हम शी यूज करेंगे, अगर लड़का है तो ही यूज करेंगे। अभी टीना क्या है? लड़की है, तो हम क्या यूज करेंगे? शी इज माई फ्रेंड, वह मेरी फ्रेंड है, वह मेरी दोस्त है, सहेली है, ठीक है। नंबर टू, एम वाई माई एन ए एम ई नेम, आई एस इज ए एन यू जे अनुज, माई नेम इज अनुज, कहते मेरा नाम अनुज है। डैश एस टी यू डी वाई स्टडी, आई एन इन सी एल ए डबल एस क्लास। थर्ड, कहते मेरा नाम अनुज है, थर्ड क्लास में पढ़ता हूँ। कौन पढ़ता है थर्ड क्लास में? अनुज ही पढ़ता है, अनुज की बात हो रही है। तो अनुज अपनी बात कर रहा है कि मेरा नाम अनुज है, थर्ड क्लास में पढ़ता हूँ। हम ऐसे बोलते हैं ना, मेरा नाम अनुज है, मैं थर्ड क्लास में पढ़ता हूँ, ऐसे बोलेंगे। तो मैं के लिए क्या यूज करेंगे हम? आई। ये देखिए, ये आई है ना, ये पिक कर लिया हमने, ये भी पिक कर लिया। दो जिसको हम पिक कर लेंगे उसको हम सर्कल कर देंगे, ठीक है। ये भी उठा लिया हमने। आई स्टडी इन क्लास थर्ड, माई नेम इज अनुज, मेरा नाम अनुज है। आई स्टडी इन क्लास थर्ड, मैं थर्ड क्लास में पढ़ता हूं। अब देखिए नंबर थ्री, आर ए एम ए एन रमन, आई एस इज वी ई आर वाई वेरी, आई एन टी ई डबल एल आई जी ई एन टी इंटेलिजेंट। रमन इज वेरी इंटेलिजेंट, रमन बहुत होशियार है। डैश डी ओ ई एस डस, एच आई एस हीज, एच ओ एम ई होम, डब्ल्यू ओ आर की वर्क, होम वर्क, होम वर्क, ई वी ई आर वाई एवरी, डी ए वाई डे एवरी डे। अपना होमवर्क है, डेली करता है या करती है? कौन करता है? रमन करता है ना। रमन इज वेरी इंटेलिजेंट,
ठीक है, रमन बहुत होशियार है, होमवर्क डेली करता है, ठीक है, एवरीडे करता है, प्रत्येक दिन करता है, ठीक है। तो रमन, अब रमन से हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये लड़की है कि लड़का है, ठीक है। तो अब हमें ये तो मालूम है ना कि वह अपना काम प्रत्येक दिन करता है, ठीक है। वह आ गया ना, अब रमन के लिए वह यूज करेंगे कि वह प्रत्येक दिन अपना होमवर्क करता है। वह अब या तो शी होगा या ही होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ही है, ठीक है। इसके बाद आई ऑक्यूपाई, ये तो हमने फिल कर दिया, दे वी इट। तो अब इसमें ही शी में तो शी हमने पहले फिल कर दिया, अब क्या बचा हमारे पास, ही। तो रमन क्या है, अब लड़का है, इसलिए हम ही इसलिए क्या फिल करेंगे, ही। रमन इज वेरी इंटेलिजेंट, रमन बहुत होशियार है। ही डज हिज होमवर्क एवरी डे, कहते वह अपना काम प्रत्येक दिन करता है। नंबर फोर, आई एच ए वी ई हैव अ पी ई एन, पेन। आई हैव ए अ पेन, मेरे पास एक पेन है। डैश आई एस इज वी ई आर वाई, वेरी, ई एक्स पी ई एन एस आई वी ई, एक्सपेंसिव, कहते बहुत महंगा है। बोल रहा ना, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, बहुत महंगा है। हम ऐसे तो नहीं बोलते बहुत महंगा है, ऐसे बोलते हैं मेरे पास एक पेन है, यह बहुत महंगा है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो यह के लिए क्या यूज करेंगे अब हम, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, निर्जीव होती है, उनके लिए हम इट यूज करते हैं, यह के लिए। तो ये रहा इट, ठीक है। तो हम फिल करेंगे इट, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, यह बहुत महंगा है। नंबर फाइव, आई एच ए वी ई हैव एफ आई वी ई फाइव एम ई एम बी ई आर एस मेंबर्स, आई एन इन एम वाई माई एफ ए एम आई एल वाई फैमिली, आई हैव फाइव मेंबर्स इन माई फैमिली, कहते मेरी परिवार में पांच सदस्य हैं। डैश एल आई वी ई लिव एच ए डबल पी आई एल वाई हैप्पीली, कहते खुशी से रहते हैं। कौन रहते हैं खुशी से, कहते हैं मेरे परिवार में पांच सदस्य हैं और हम खुशी से रहते हैं, ऐसे बोलेंगे ना, हम खुशी से रहते हैं। तो हम के लिए क्या यूज करती है हम, डब्ल्यू ई वी, हमने यहाँ पे फिल कर दिया, यहाँ पे सर्कल कर दिया। नंबर सिक्स, सी एच आई एल डी आर ई एन, चिल्ड्रन, ए आर ई आर पी एल ए वाई आई एन जी, प्लेइंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। डैश ए आर ई आर एस एच ओ यू टी आई एन जी, शाउटिंग, डब्ल्यू आई टी एच वेट जे ओ वाई ज्वाई। डैश आर शाउटिंग वेट ज्वाई, इतने मजे से चिल्ला रहे हैं। कौन चिल्ला रहे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं। तो बच्चे एक से ज्यादा हैं, एक से ज्यादा पर्सन है, तो हम उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वे चिल्ला, मजे से चिल्ला रहे हैं। तो वे के लिए क्या यूज करेंगे, दे, ठीक है। और हमारे पास वर्ड भी एक ही बचा है, दे, ठीक है। तो दे आर शाउटिंग वे जॉय, वे मजे से चिल्ला रहे हैं। आज के लिए इतना काफी है, कल हम आगे इस लेसन को करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगे, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।